कोविड वैक्सीनेशन के तृतीय चरण में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर परिसर में आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगवाया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लोगों से आह्वान किया कि वैक्सीन टीका लगाने के लिए आगे आएं और कोरोना का डर लोगों के मन में ठहरा हुआ है, इसके लिए ही पीएम मोदी ने स्वयं वैक्सीनेशन का टीका लगवाया है। साथ ही धूमल ने प्रदेशवासियों के साथ हमीरपुर वासियों से भी अपील की है कि कोरोना वैक्सीन लगाने से डरे नहीं और वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं। पूर्व सीएम धूमल के साथ उनकी धर्मपत्नी शीला धूमल ने भी कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगवाया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल रितु, सीएमओ हमीरपुर अर्चना सोनी, एमएस डॉक्टर आरके अग्निहोत्री, जिला स्वास्थ्य अधिकारी संजय जिगोता, नगर परिषद अध्यक्ष मनोज मिन्हास, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा भी मौजूद रहे। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कोविड से आज पूरा विश्व लड़ रहा है और पीएम मोदी ने स्वयं को वैक्सीनेशन का टीका लगवाया है। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर महाअभियान में शामिल हों और दुष्प्रचार से लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि टीका लगाने में कोई भी दर्द महसूस नहीं होता और इसमें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, इसलिए सभी को आगे आकर टीकाकरण अभियान में अपना सहयोग देना चाहिए। आबादी हूँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, जिला प्रशासन का, कि आज इन्होंने मौका दिया कि मैं वैक्सीनेशन करवा सकूं। मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने दोनों ने आज वैक्सीनेशन करवाया है। कोरोना का जो डर लोगों के मन में छाया हुआ है, उसको दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को शानदार नेतृत्व दिया। दो वैक्सीन भारत में ही बनी और उनके माध्यम से हम जहाँ देश के लोगों का उपचार कर रहे हैं, वहीं विदेशों से भी उसकी भारी मांग आ रही है। मैं अपने देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और ख़ास करके हमीरपुर वासियों से विशेष अपील करना चाहूँगा कि मुझे तो पता नहीं लगा इंजेक्शन कब लग गया। मैं पूछ रहा था लगाया भी कि नहीं, इसमें कोई दर्द नहीं होता और एक ऐसे रोग से छुटकारा मिलने की संभावनाएं हो जाती हैं जिसने सारे विश्व को दुखी कर रखा है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी वैक्सीनेशन करवाया था। आओ हम सब मिलकर इस महान अभियान में शामिल हों, दुष्प्रचार से बचें, सब कोविड 19 का वैक्सीनेशन करवाएं, सुरक्षित हो जाएं और इस अभियान को सफल बनाएं। हमीरपुर सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि तृतीय चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों तथा 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निशुल्क टीके लगवाए जाएंगे। हमीरपुर जिला में लगभग 50,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में टीकाकरण के लिए सप्ताह के 3 दिन मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार निर्धारित किए गए हैं। आगामी 7 मार्च 2021 से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी टीकाकरण प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए मंगलवार एवं शुक्रवार के दिन तय किए गए हैं। 15 मार्च से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर भी टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मंगलवार तथा उप स्वास्थ्य केंद्रों में प्रत्येक वीरवार को कोविड 19 के टीके लगाए जाएंगे। जानते हैं कि अब हमारा जो थर्ड फेज वैक्सीनेशन का चल रहा है, इसमें एज एप्रोप्रिएट कैटेगरीज को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें हमारे 3 तरह की वैक्सीनेशन रहेगी। एक रहेगी जो हमारे फर्स्ट डोज लग चुकी है, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनको सेकंड डोज लगनी है, एक वो रहेंगे। और दूसरा रहेगा हमारा एज 60 साल से ऊपर वाले लोग, जिनकी एज 60 साल से ऊपर वाली है उनको वैक्सीनेशन करने का प्रावधान है सभी लोगों को। और तीसरे हमारे रहेंगे 45 साल से लेके 59 ईयर के जो लोग हैं उनको
जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, यानी कि कोई एसोसिएटेड ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि उनको प्रायोरिटी पर पहले लगवानी पड़ सकती है, उसमें हमारे पास 20 कंडीशंस हैं, वो हमने सर्कुलेट भी की हुई हैं। डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, रीनल प्रॉब्लम, कोई ऐसी गंभीर बीमारियां जिनके चलते लगता है कि इनको वैक्सीनेशन पहले लगवाने की ज़रूरत है, तो इनको हमने ये उस ढंग से वर्कअप करना है। इसका अब थोड़ा सिंपल सिस्टम और भी सिंप्लीफाइड हो गया है। हमारे जितने भी हैं 193 हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट में, मेडिकल कॉलेज, ब्लॉक हेडक्वार्टर, CHCs, PHCs और हेल्थ सब सेंटर्स। अब ये वैक्सीनेशन हमारी हेल्थ सब सेंटर तक लगेगी, तो वहाँ हेल्थ सब सेंटर्स को डाल के टोटल हमारे इतने इंस्टीट्यूशंस बनते हैं जिनमें कि हमारा गवर्नमेंट का प्रावधान रहेगा, गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन रहेगी।